यार अभी अभी ये कांड होते होते बच गया। तो दोस्तों ये देखिए, ये है बहती हुई सतलुज नदी, आपको देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी वहां तक बहती हुई गई है। और ये है यहाँ के पहाड़, पहाड़ों का प्रॉपर व्यू आ रहा है। ये देखो मैं हूँ होटल की टेरेस पर, ये रहा मैं। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ पुनीत, बिल्कुल झगास, और उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे बिल्कुल झगास। तो यार कल 18 घंटे की जर्नी बड़ी टायरिंग रही कसम से, आतर बिल्कुल झंड पड़ गए। आज हम निकल रहे हैं रामपुर से कल्पा के लिए, और डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर बता रहा है, 3 घंटे पर लगने तो नहीं है, 3 घंटे जानते हो, कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। और आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, ये खड़ी अपनी गाड़ी, देखो टेल बैग अभी नीचे लगा हुआ है। और ये आपको दिखाता हूँ किलोमीटर, कल हमने चलाए हैं टोटल 630 किलोमीटर कल गाड़ी चली है, और आज के लगभग लगा के चलिए 100 मान लें। फिर वहाँ घूमना भी तो, साइट सीइंग भी तो करनी है, फिर देखते हैं स्टे करना है या कल निकलना है, वो वहीं जाकर डिसाइड करते हैं। तो बस निकलते हैं फिर सीधा, और मिलता हूँ आपसे सीधा गाड़ी पर। हाँ तो भाई लोग, फाइनली अपन निकल चुके हैं अपनी गाड़ी पे बैठकर कल्पा की ओर। अब बस धुआंधाई से कल्पा जाना है, कल्पा है लगभग 103 किलोमीटर, और गूगल बाबा आदरणीय बता रहे हैं कि पहुंचने में लगेंगे 3 घंटे, यानी कि लगभग 35 की रफ्तार से चलेगी हमारी गाड़ी, प्रॉपर पहाड़ी एरिया होगा। लेकिन कहते हैं यार कल्पा का जो माहौल है ना, मतलब वहाँ पर वो जो बर्फ़ वाले पहाड़ जिसके लिए हम सब दीवाने होते हैं, यू नो, सबको एक होता है कि यार बर्फ़ वाले पहाड़ कैसे होंगे, क्या होगा वहाँ पे, वो एक अजीब सा एक क्रेज सा होता है यार, मुझे भी है वो, मुझे देखना है। सरहान तो मेरा एक्चुअली देखा हुआ है, लेकिन मुझे वो बर्फ़ वाले पहाड़ बिल्कुल पास से देखने हैं। और ये देखो होटल से निकलते क्या भयंकर नज़ारा मिला है यार, सुबह ही सुबह यदि ऐसा नज़ारा मिल जाए, अय है गजब, क्या बात है यार, मॉर्निंग का ही ऐसा नज़ारा। लो इधर ठुक गई बाइक होता रहता है यार ये तो, ये देखो राइट में है और लेफ्ट, ओ मतलब इधर राइट और इधर लेफ्ट, नज़ारे ही नज़ारे हैं, कितना सुंदर लगता है यार मॉर्निंग में ऐसा मिल जाए। ऐसे तो कहते हैं बिल्कुल झकास नज़ारा। हमारी रफ्तार अभी तो यार पहाड़ों पे वही चलनी है रफ्तार, क्या 30-35 के करीब करीब। कभी कभी तो हमारे गूगल बाबा भी ऐसा नचा डालते हैं ना, कि बस हम सोचते हैं यार कहाँ से कहाँ आ गए, पता ही नहीं चलता। अब देखो कट था, इधर जाना है कि इधर, ये नहीं पता, बस चले जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा यार, ऐसी क्या बात है, घूमने आए घूम लेंगे थोड़ा सा। और अभी तो अपने Insta 360 के वीडियोज़ भी यार कल्पा में जाकर करेंगे शूट, असली मज़ा वहाँ पर आएगा, चारों तरफ फुल सफ़ेद ही सफ़ेद, और बढ़िया बढ़िया वैलीज़ वगैरह सब आएंगी। क्योंकि कल यार एक्चुअली मैं आपसे सही कहूँ तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था काफ़ी, 18 घंटे। और दूसरी बात, ये होटल ने रुला दिया, यहाँ पर सारे अंडरग्राउंड होटल हैं, ऊपर तो कुछ दिखता ही नहीं है, नीचे होटल, यार सामान मैं कहाँ से ले जाऊँ, मेरे पास दो बैग हेलमेट, टोटल 4 का सामान होता है, मैं कहाँ से ले जाऊँगा इतना बदल बदल के। फिर बड़ी मुश्किल से मिला, फिर जो वहाँ के सर्विस वाले थे, कर्मचारी थे, वो ले गए बैग, और तब जाकर यार होटल में मैं करीब 8 बजे 7:45 तक मैं पहुँचा हूँ। बट जो भी था बढ़िया था, नज़ारे के लिए आते हैं, नज़ारे ज़बरदस्त हैं, बहुत भयंकर वाले। और यहाँ पर अब दिक्कत ये होगी ना, हल्का हल्का ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर धीरे धीरे ट्रैफिक लगेगा और धीरे 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 सब कुछ बढ़ने लगेगा। और सामने आप देख पा रहे हो क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, देख रहे हो, इसलिए मैं गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली आपको दिखा पाऊँ। सामने से सीधी सनलाइट आ रही है इस वक्त। अच्छा मैं जब छत पे खड़ा होकर शूट कर रहा था ना, मैं पसीना पसीना हो गया पूरा, इतनी भयंकर धूप। अब धीरे धीरे कल्पा की तरफ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यार थर्मल लाइनर पहनना पड़ेगा सही में। अच्छा मैंने नोटिस की यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ, जबकि हमारे उधर साइड तो गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई, ये गलत बात है यार, यहाँ पर भी सर्दी की छुट्टी कर देते। सामने देखो कितने ऊँचे पहाड़, शायद उधर ही जाकर होगा कल्पा जहाँ तक है। चलो फिर चलते हैं धुआंधारी से। यार अभी ये कांड होते होते बच गया, मैंने अपने ग्लव्स अपने पैनियर के ऊपर रख दिए थे,
वहाँ जहाँ मैं गाड़ी पूरी पैक कर रहा था और ऐसे ही गाड़ी चला के ले आया। अब मुझे याद आया कि मैंने पैनियर्स लॉक किए हैं नहीं किए। मैंने उतर के देखा तो भाई ग्लव्स पैनियर्स के ऊपर रखे हुए थे, वरना ये मानना बहुत तगड़ा फटका लगता, बहुत तगड़ा नुकसान होता और ठंड लगती वो अलग। चलो जो भी होता है छिकली होता है, ना कर बुरा ना हो बुरा, बस अपनी राइड जर्नी अच्छे से सेफली हो जाए, खूब मज़े लेकर मैं भी मज़े लूँ और आप भी मज़े लो, तभी तो होगा झकास। देखो यार क्या नज़ारा है, गजब। शायद रिफ्लेक्शन आपके पास आ रहा हो सूरज का, लेकिन नज़ारा देखो यार क्या पहाड़ है, गजब बिल्कुल। ये देखो अब इन्हीं के पास से होते हुए चलना है। व्हाट अ प्लीजिंग व्यू यार। अरे भाई मैं बोलना भूल गया, अब बोल देता हूँ। तो आखिरकार प्रातः प्रातः पौ फटते ही हम अपनी स्वचालित चलायमान द्विचक्र वाहिनी पर रामपुर से कल्पा की तरफ प्रातः 9 बजे चलायमान हो चुके हैं। क्या कटिंग की है पहाड़ों की, काफ़ी डेंजरस रोड है, इधर पहाड़ इधर खाई, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, लेकिन नज़ारा एक नंबर, पहाड़ ही पहाड़, बिल्कुल मस्त जबरदस्त व्यू है यार। और दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 और अपन कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर चल चुके हैं। उम्मीद है 12 से 1 बजे तक कल्पा पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर कल्पा में जो भी होगा देखेंगे। क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि रुकना हो ना रुकना हो, अच्छा लगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे वो जगह है कौन सी यार, वो लास्ट विलेज है छेतकुल, वहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है ना, नाकोटा वो सब कवर करने हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, अब मैं बना रहूँगा रोड पर, तभी तो अपनी जर्नी होगी बिल्कुल झकास। सामने पहाड़ इधर पहाड़, ऐसे ही तो कहते हैं मन भावक मन लुभावना हृदय विहंगम दृश्य। भाई ये कल्पा तक के रास्ते में यार ऑफ रोड बहुत है, तभी गूगल बाबा बता रहे थे कि बेटा 3 घंटे लगेंगे 100 किलोमीटर। गुड़ का पुआ समा रखा लिया, गप से मुंह डाला और खा गए। ये देखो यार ऑफ रोड पैचो, मेरी थोड़ी सी क्रूज़र बाइक है वो भारी भी है, ऐसी जगह पे ना एडवेंचर बाइक काम देती है जैसे हिमालयन। बेटा तुम्हें भी उछलना है, कितना भी आगे निकल लो उछलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। काफ़ी छोटे छोटे पैचेस हैं रोड के, ऑफ रोड के बीच में छोटी छोटी सी रोड बनी हुई है। तो भाई इतना बना है गवर्नमेंट ने, ये और बना देते कल पता का बिल्कुल मस्त रास्ता बन जाता। क्या नज़ारा यार गजब, नज़ारा एक नंबर है, लेकिन रोड माइनस एक नंबर है, पूरे अंदर पंजा ढीले हो जाए आदमी के, इतना ज़बरदस्त ऑफ रोड है, और बहुत संभाल के चलाना है। ये देखो इधर पहाड़ इधर पहाड़, क्या नज़ारा है। यहाँ तो फर्स्ट गियर से ऊपर गाड़ी उठेगी ही नहीं, मेरे पूरी सरगम बज गई। यहाँ पे हो तो भाई एडवेंचर बाइक वैलेंट टाइप लेके आना, नहीं उछलते उछलते जाओगे। तभी मेरे से लोग कल कह रहे थे कि भाई रात में कल्पा मत जाओ, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि रोड ऐसी है ना पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ निकल लिए। ऑफ रोड भी तगड़ा वाला है, यानी कि मिट्टी है ऊपर नीचे रोड है, हल्का फुल्का नहीं हो, मेरे जो है रोड टायर्स हैं एक्चुअली, वो ऑफ रोड में इतना काम नहीं करते। चलो अब थोड़ी सी रोड आई, हाँ क्योंकि यहाँ सिटी आ गई, अब थोड़ी सी गाड़ी खींचेंगे धुआंधारी से। Thank you.
ये देखो यार, देख पा रहे हो? ये शायद, अच्छा बिजली की तार जा रही है, ये ऊपर से नीचे, एक अलग ही व्यू है। ये क्या? अच्छा यहाँ से पत्थर वगैरह स्लाइड हो सकते हैं। व्यू देखो यार, ये बीच में नीचे घाटी, पूरी घाटी है क्या ये है? और ऊपर पहाड़ी पहाड़, इधर पहाड़, इधर पहाड़, और बीच में हम अपने पहाड़ के ऊपर है कि नहीं? ये भी तो अपना पहाड़ है भाई, चलता हुआ पहाड़। पहाड़ों में घूमने की एक खास बात होती है कि आपको ये नहीं पता होता कि अगले मोड़ पे आपको कौन सा कैसा सीन मिल जाए। अभी मुड़े, ये देखो, अभी मैंने कहा कौन सा कैसा सीन मिल जाए, ये देखो क्या नज़ारा है यार। इधर देखो, लेफ्ट राइट सब जगह से क्या नज़ारा है। नहीं कौन से मोड़ पे कब क्या आ जाए, इधर उधर साइड बिल्कुल धूप, और यहाँ देखो बिल्कुल छांव, बिल्कुल भूरे पहाड़, वहाँ पे वाइट गोल्डन काम चालू है। अच्छा रेलिंग लगाने का, सही है भाई, ज़रूरी है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। ये देखो पहाड़ और छोटे छोटे पेड़, अब ये मोड़ आ रहा, पता नहीं इसके बाद क्या नज़ारा होगा, होगा भी या नहीं, मतलब अच्छा नज़ारा। ये देखो बिल्कुल अलग नज़ारा ही बदल जाता है हर एक मोड़ पर, लेकिन आपको बहुत केयरफुली चलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर टोटल धूप ही धूप है, इधर इधर बिल्कुल छांव, छांव में हल्की ठंड लगती है, लेकिन धूप बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है, खड़े हो जाओ ना 2 मिनट पसीना पसीना हो जाते हो पूरे। ये देखो यार क्या पहाड़ का व्यू आ रहा है, एकदम इतना नज़दीक से, इतना गजब लग रहा है ये व्यू, कैसे बना होगा यार काट काट के। अच्छा पहाड़ों को यार ऐसे कभी टच मत करना, क्योंकि होता है इनके किनारे तो बहुत शार्प होते हैं, तो हाथ कटने का खतरा रहता है, कुछ होते ना पहाड़ को जाके टच करते हैं, मैंने भी किया था भाई, बहुत शार्प होना था, तभी मुझे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और लेफ्ट का व्यू तो आप देख ही रहे हो, पूरी घाटी और इधर पहाड़ सामने, यही तो होता है बिल्कुल जगह नजारा। ऊपर ये चीड़ और देवदार के हैं शायद पेड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई, गलत हो तो बता दीजिएगा। अच्छा यहाँ कहीं 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 तो रोड ऐसी सुपर प्लेन आती है कि वहाँ समझ लीजिए 50-60 पे गाड़ी चल जाती है, और कहीं कहीं ऐसी आती है कि भाई न्यूट्रल कर दो, वही सही है, कहीं की बहुत भयंकर ऑफ रोड आता है, लेकिन ऐसी रोड हो ना तो फिर मज़ा अलग आता है भाई ऊपर तक। अब हम बहुत अच्छा, इसमें आप जब पहाड़ों में आप ट्रेवल करोगे ना तो एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी, क्या कि कभी तो आप ऊपर चले जाओगे और कभी नीचे आ जाओगे, तो ये समझ नहीं आएगा कब ऊपर गए और कब नीचे आए। मैं यही देखता हूँ, कभी तो मुझे नीचे का नज़ारा दिखाई देने लगता है, कभी मुझे पहाड़ के ऊपर का नज़ारा दिखाई देने लगता है, तो ये क्या टाइप का रास्ता है, तो गूगल वहाँ बता रहे हैं और मैं चला जा रहा हूँ, और वैसे रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है उसी पर चलना है। तो पहाड़ों में घूमने में इस बात का तो फायदा रहता है, गली वगैरह नहीं आती है, बस सीधे नाक पकड़ के रोड पर चलते जाओ। ये कोई छोटा सा टाउन, हाँ टाउन टाइप का लग रहा है। ये देखो ऑल्टो वाले भैया क्या धुआंधार चला रहे हैं, वैसे यहाँ ऑल्टो ही सक्सेसफुल है, छोटी सी गाड़ी है, किधर भी लगा दो किधर भी मोड़ दो कोई फर्क नहीं। और रुकाऊँ दोस्तों एक चाय ब्रेक के लिए, आपको दूसरी साइड का नज़ारे दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखो यार ये नज़ारे घाटी के, घाटी और ये पहाड़ टोटल हरा हरा, इतना बढ़िया लगता है यार। ये देखो पूरा ये ऊपर तक, और मैं इधर रुका हूँ चाय पीने। मैं ये सोच रहा हूँ यार यहाँ के लोगों को कितना बढ़िया लगता होगा ना,
वैसे नहीं, यहाँ से ही कहें, यहाँ के लोग पहाड़ देख देख के पक जाते हैं, जैसे हम लोग जमीन देख देख के पक जाते हैं ना, फिर ये लोग जमीन की तरफ भागते हैं। वही है भाई, थोड़ा चेंज होना चाहिए लाइफ में, पहाड़ से जमीन, जमीन से पहाड़, बस इसी चेंज के लिए अपन गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, जगह चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं कल पाकी और। हाँ तो दोस्तों, गर्मा गर्म दुग्ध शर्करा पत्ती निर्मित पेय का सेवन करके, यानी कि चाय पी के फ्रेश हो गया अपन, दोबारा से निकल चुके हैं अपनी कल्पा तक की राइड पर। रही बात नज़ारों की, तो भाई यहाँ क्या क्या नज़ारे देखोगे यार। एक पहाड़ है कहने को, लेकिन उसमें इतनी डिज़ाइन है, कभी दो पहाड़ क्रॉस करते हैं, कभी दो पहाड़ मिल जाते हैं, कभी दो पहाड़ आगे पीछे होते हैं, तो इतने नज़ारे बनते हैं कि मैं आपको कैमरा में क्या दिखाऊं, वो तो आपको यहाँ फेस टू फेस आकर ही देखना पड़ेगा। और अभी देखो ये दो पहाड़, अच्छा इसके पीछे जो आप देख पा रहे हो ना सफ़ेद वाला पहाड़, हाँ वो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, वो है पूरा बर्फ़ का, वो किन्नौर कैलाश शायद पहाड़ वही है। और ये देखिए ये पहाड़, अच्छा कई कई पहाड़ तो बिल्कुल गंजे हैं, मतलब उनमें पेड़ ही नहीं है, और कई कई पहाड़ तो ऐसे ज़बरदस्त हैं पूरे पूरे पेड़ से ढके हुए हैं। ये देखिए यहाँ पूरा एकदम हरियाली, पेड़ ही पेड़, और ये बिल्कुल खाली मैदान साफ, और यहाँ गाड़ी बहुत संभाल के चलानी पड़ती है। वैसे कल्पा का रास्ता मैंने पूछा जहाँ मैं चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक ठीक है, इतना कोई बढ़िया रोड भी नहीं है और इतनी ख़राब रोड भी नहीं है, यानी मीडियम मीडियम है, थोड़ा संभाल के चलाना होगा केयरफुली। वैसे पहाड़ों में केयरफुली ही चलाना पड़ता है, नहीं तो समझ लो ना पहले नीचे जाओगे और फिर ऊपर जाओगे। और वो मुझे दिख रहा है सफ़ेद पहाड़ ऊपर, वो भूरा पहाड़ ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़, ये देखो आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट है बहुत ज़बरदस्त। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। अबे कोई फूलमाला लेके तो खड़ा नहीं है, अच्छा बस अच्छा ऐसी पट्टी लगा दी कि आप किन्नौर में आ गए, यानी कि हम किन्नौर में अब घुस चुके हैं ऑफिशियली। अब इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे नहीं क्या आएंगे यार, इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो ये इतने भयंकर भयंकर मोड़ आ रहे हैं, इतने फ्रीक्वेंट मोड़ आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या ये खुद से हैं कि करे हैं, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मोड़ बड़े तीखे बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। और रोड रोड है, बंद है क्या? नहीं नहीं खुल रही है, मुझे लगा रोड ही बंद है, लेकिन रोड है बहुत ख़तरनाक। आप यहाँ पर तब ही आइएगा जब आप कोई एक्सपर्ट ड्राइवर हो, आपको चलाना आता हो, क्योंकि रोड काफ़ी डेंजरस है, पहाड़ों की रोड बहुत डेंजरस होती है। यहाँ पर आप हाथ से ड्राइविंग नहीं करते, यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी ड्राइविंग करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप लीन करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके घुटना, कंधा, हर एक चीज़ उसको बैलेंस करता है गाड़ी को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पैर में हर एक चीज़ मेरा वर्क कर रहा है, कितना शार्प मोड़ है, और नज़ारे अय हाय क्या पहाड़ है, पास से इतने नज़दीक से पहाड़ आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे भाई, लेकिन मैं देख सकता हूँ इतने नज़दीक से। ये देखिए सामने का व्यू कितने विशाल है, हम तो इनके आगे कुछ नहीं है, यही तो है नेचर्स ब्यूटी। ये जगह जगह यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा ना यही दिक्कत है, यहाँ जगह जगह थोड़ी सी ऑफ रोड आती है, ये से थोड़ा थोड़ा पैच, कभी कभी 100-200 मीटर का भी ऑफ रोड में आता है, तो अपने यार पूरी सरगम बच जाती है। ये देखो हरा, क्या हरा पहाड़ है, ये काई है, घास है, मुझे बता था कल्पा का रास्ता बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको, सच में मिल रहा है। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान आप सड़क पर रखिएगा जब भी आएँ, क्योंकि क्या बोलते हैं ना उसको, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृश्य होते हैं, तो ऊपर ध्यान रह जाता है, हम नीचे से नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ ध्यान रख रहा हूँ, मैं आगे भी ध्यान रख रहा हूँ, मैं साइड में भी ध्यान रख रहा हूँ, और मुझे बोलना भी पड़ता है, तो इसलिए गाड़ी में थोड़ी सी धीमे ही चलाना प्रेफर करता हूँ, कितना तीखा मोड़ है। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, गिनती के लोग हैं, मुझे रास्ते में हार्डली 2-4 बाइकर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं लेकिन 2-4 गिनती, और थोड़े बहुत 2-4 गाड़ियाँ हार्डली, कोई चिक चिक नहीं है कि यहाँ जाम लगेगा ये होगा ना, बहुत ईजी वे है। और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया है, लेकिन धूप अब भी गर्म है, धूप तो ज़बरदस्त है यार,
सही है भाई, ज्यादा ठंड तो वहां मिलेगी आपको, स्पीति वैली में। वहां भी चलेंगे यार, ऐसी क्या बात है, जाना है तो फिर जाना है। आप लोग को मेरे साथ चलना है तो बता, चलोगे के नहीं? वो आपको आगे के एपिसोड से मिलता रहेगा, सब कुछ डेली डोज आपको आगे के एपिसोड में मिलती रहेगी। ये देखो ये क्या पेड़ है यार ये। ओ मिल गया भाई, मिल गया, आखिरकार एक झरना मिल ही गया। ये देखो यार क्या जबरदस्त झरना मिला है भाई, काफी टाइम बाद ये एक झरना मिला है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये देखो यार, ये देखो यार क्या झरना है भाई, इसका तो बनता है। ये देखो यार ये क्या गुफा सी है, क्या पहाड़ को काटा है, क्या जबरदस्त बनाया है भाई। क्या पहाड़ है यार, डिजाइन ही अलग है इसके तो, कलर ही बिल्कुल अलग, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मतलब कोई डार्क वाला कलर शायद बचा ही नहीं है, सारे के सारे कलर लग गए इसमें। क्या व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, बहुत जबरदस्त ठंडी हवा। ये देखो यार क्या जबरदस्त पैच आया, थोड़ा सा ऑफ रोड का और ऊपर पहाड़, इसे काट के पूरा पूरी रोड बनाई गई है भाई, थोड़ी सी और बना देते हैं। पहाड़ का क्या सुंदर डिजाइन है यार। अच्छा आगे भी ऐसे ही है, यहाँ लगभग सारे पहाड़ ही ऐसे हैं, एकदम ऊपर से क्या बोलते हैं ना वो, आशीर्वाद देते हुए। हाँ ये देखो, क्या जबरदस्त कटिंग की है पहाड़ों की यार, वाकई में। अब नहीं है, अब खत्म, अभी हरे हरे पहाड़ आ गए, जो पीछे दिखाए थे ना आपको मैंने हरे वाले पहाड़, ये वही है, अब हम उसी के पास से जा रहे हैं। स्पीड लिमिट 20, सही कहा। अच्छा पिछले रामपुर जो था, रामपुर में तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर उसके मुकाबले थोड़ी कम है, वैसे तो सही है लेकिन उसके मुकाबले काफ़ी सही है, उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, सही नहीं है, थोड़ी सी कम है। वहाँ जो थी ना भाई रामपुर के पैच में, वो नारकंडा से लेकर रामपुर का पैच बिल्कुल एकदम ऐसी जैसे हाईवे बनी हो, कितनी ज़बरदस्त लीन हो रही थी गाड़ी। यहाँ पर यार लीन करने में डर लगता है, क्यों? ये देखो, ये देखो, लीन करोगे और यहाँ पे बजरी पड़ी है, ज़रा सी गाड़ी यदि स्किड हुई, घिसटते हुए या तो नीचे जाओगे या पहाड़ों में ठुक जाओगे। ये देखो एक तरफ छाँव एक तरफ धूप, ये छोटे छोटे पैच यार इनको बना क्यों नहीं देते भाई, ये छोटे छोटे पैच है ना पूरी स्पीड को ख़त्म कर देती हैं। देखो कितनी बुरी तरीके से गाड़ी हिलती है, और गाड़ी मेरे इस वक्त गाड़ी का वेट लगभग लगभग मान के चलो 300 से 310 किलो के करीब मेरी गाड़ी का वेट है इस वक्त, ऊपर से मेरा वेट 68 kg, तो थोड़ा सा भारी पड़ जाता है ये। वैसे तो चलने में गाड़ी धुआंधार है, लेकिन ऐसे पैच पर थोड़ी सी भारी पड़ जाती है गाड़ी, बट अब लिए तो यार संभालना तो पड़ेगा ना।
देखो दोस्तों नीचे ये क्या बड़ी ही मिट्टी वाली, बहुत ही गदली गदली से होते ना पानी, ये नदी है क्या है? और यार बड़ा कर रहा ऑफ रोड पड़ रहा है तो सही में, क्या ऑफ रोड है और क्या नज़ारा है यार, इतने पास से पहाड़, ये देखो यार क्या पहाड़ है, जबरदस्त बिल्कुल जगास नज़ारा, इधर पहाड़ इधर पहाड़, बीच में अपन अपने पहाड़ के ऊपर। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. ये देखो दोस्तों यार क्या व्यू निकल के आया, ये बिल्कुल खुला हुआ और शायद ये नदी बह रही है, बसपा रिवर है आई थिंक शायद, ये क्या व्यू खुल के आया है, ये ओ वो गया भाई बर्फ का पहाड़। और यहाँ पे जानवर भी है भाई, बहुत टाइम बाद जानवर थे, बकरी है ये गाय है, बोनसाई गाय छोटी बछड़े हैं, हाँ गाय के बछड़े हैं, इतने प्यारे प्यारे से बालों वाले, क्या बात है। ये नदी अभी तो सूख गई है आई थिंक, बरसात में यार ये बिल्कुल फुल हो जाती होगी, यहाँ का तो फिर नजारा ही बिल्कुल अलग होता होगा सही में। ये ओ एक दो तीन, अच्छा इन पहाड़ों के पीछे है वो बर्फ वाले पहाड़, बस वहीं तक जाना है भाई, तभी तो होगी हमारी जर्नी बिल्कुल झगास। दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 12:10 और अभी भी हम कल्पा से गूगल बाबा के हिसाब से 40 किलोमीटर यानी एक घंटा दूर हैं। अब आप सोच रहे हो यार पहले भी एक घंटा दूर, एक्चुअली यार हुआ ये कि इतना बढ़िया सीनिक व्यू आया कि मुझे वो अपना इंस्टा 360 लगाना पड़ा, और उसकी जो मैंने आपको सेल्फी स्टिक दिखाई थी 3 मीटर 10 फुट वाली, उसको लगा के और मुझे पूरा उसका सीनिक व्यू लेना पड़ा, बहुत ज़बरदस्त। और तो उसमें यार टाइम लग जाता है एक्चुअली, इसको जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक है उसको निकालो, कैमरा लगाओ चालू करो, फिर उसको चलाओ, और उसको लेके जब चलाते हैं ना तो एक्चुअली हवा में रहती है वो करीब करीब लगाओ 10 फुट तक, उसके ऊपर कैमरा लगा होता है तो बहुत संभाल के उसको हवा में लेके और फिर करना पड़ता है, और यार उसमें वाकई में काफ़ी ख़तरा होता है, तो गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब क्या करें यार, आप लोगों के लिए फुटेज व्यू सब लेनी है तो टाइम तो लगेगा ना, अभी एक घंटा मान लो 1:30 बजे तक ही पहुँच पाएंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या प्लान प्रोग्राम बनता है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो यार बगल में बह रही है बसपा रिवर, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे नहीं पा रहे होंगे, और ये ऊपर क्या डैम बना है क्या है यार, ये बगल का स्ट्रक्चर देखो, ये पहाड़ क्या ज़बरदस्त कटाई छटाई इनकी क्या हुई है, ये पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे, ये होती है देखने लायक चीज़ें। यार क्या नजारा है, पहाड़ उसके बगल में पहाड़, उसके अगल में पहाड़, ये क्या ब्राउन कलर का है बिस्कुटी कलर, क्या शेप्स हैं इसमें गजब, बस पहाड़ों की नगरी कल्पा में ही जा रहे हैं, एक से एक पहाड़ है यार। और अभी भी डिस्टेंस हमारा बचा है लगभग 25 किलोमीटर और 41 मिनट का टाइम अभी हमारे आदरणीय गूगल बाबा बता रहे हैं। देखो यार सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ दिखने चालू हो गए, ऊपर भूरे और साथ में आजू बाजू सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़, यानी कि हम उसके नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं धीरे 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 करके। अभी गूगल बाबा बता रहे हैं भाई आपको 35 मिनट और लगेंगे, लगभग अभी 18 किलोमीटर और चलना है,
चलते हैं फिर कल पाकी। और तो रुका हूँ यार खाने के लिए, आखिरकार एक जगह मिली गई जहाँ वेजिटेबल बिरयानी या रोटी सब्जी मिल सके। एक्चुअली सब जगह यार वो चाय मोमोज चाउमीन ये सब ज्यादा मिलता है यार यहाँ पर, और इन सबसे पेट नहीं भरता है, मजा नहीं आता जब तक वो रोटी चावल सब्जी ना जाए ना अंदर, तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ क्या गया है क्या नहीं। आपको लोकेशन दिखाता हूँ, किस लोकेशन पर है ये देखो यार पहाड़ी पहाड़ टोटल और यहाँ पे रुका हुआ, ये देखो पास में एक झरना भी बह रहा है और इतना ठंडा पानी है इसका, मैंने पी के देखा, ये देखो झरना और बहता हुआ ये दूसरी साइड निकल रहा है, आपको दिखाता हूँ, ये बहता हुआ दूसरी साइड निकल रहा है, ये देखो ये दूसरी साइड निकल रहा है बहता हुआ, और ये सब जा रहा है नदी में। तो बस खाना पीना आता है खाते हैं और फिर कल्पा की तरफ निकलते हैं। कल्पा पहुँचते यार घड़ी बंद हो गई क्या, 1:10 हो गए, पहुँचते मुझे लग रहा है 2:30 बजेंगे, और देखते हैं यार फिर क्या होता है, पहले पहुँचे हैं फिर बताएंगे। तो दोस्तों हो गया है अपना मध्यान्ह भोज। अच्छा एक बात मैंने यहाँ नोटिस की, मैंने इनसे कहा कि वेज बिरयानी, तो ये लोग नहीं समझे वेज बिरयानी क्या होती है। रिसेंटर मांग रहा है, अच्छा अब होगा रिसेंटर, तो वेज बिरयानी लोग समझे नहीं, फिर पुलाव बताया वो भी नहीं समझे, फ्राइड राइस बताया वो भी नहीं समझे, फिर मैंने बताया कि वो ऐसे सब्जियों को चावल में से वो छोंक देते हैं और वो करके बनाते हैं, अच्छा वो चावल होता है। तो यहाँ के लोग ये नहीं समझते हैं भाई, इनका खाना थोड़ा सा हमारे से अलग है। और बात को पानी की, यार पानी इतना ज़बरदस्त आ रहा था, किसी चश्मे से आ रहा था पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी फेल है, फ्रिज का पानी गले में लगता है, लेकिन यहाँ का जो पानी आ रहा था ज़बरदस्त पानी, मैंने अभी दोनों बोतल भर ली, सही है यार मिल रहा है भर लो आगे पता नहीं कैसा मिले। हाँ खाना लेकिन सही था और रीज़नेबल प्राइस पर था, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार हो प्राइस ज़्यादा, नहीं बिल्कुल सही था अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब चलते हैं कल्पा और भाई देखेंगे वहाँ कुछ देखने लायक बचा भी है या नहीं, कहीं कहीं ऐसी वाटर क्रॉसिंग मिल जाती हैं। काफ़ी टाइम हो जाएगा अब तो, अब हो रहे हैं 2:00 बज रहे हैं इस वक्त, और गूगल वा बता रहे हैं 13 किलोमीटर और लगभग आधा घंटा लगेगा। चलो फिर पहुँचते हैं धुआंधारी से कल्पा। ये देखो यार दिखने शुरू हो गए बर्फ वाले पहाड़, ये देखो इधर पहाड़ इधर पहाड़, सफेद सफेद, ऐसे ही लगता जैसे वो क्या वो पेड़े पर किसी ने दही है पूरा डाल दिया हो। क्या नजारा है, और इतनी ऊंचाई पे भी दुनिया बसी हुई है। हम वो प्लेन में रहते ना तो प्लेन्स को इतना हमें लगता है नॉर्मल है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर भी दुनिया बसी है, ये चीज़ इनके लिए नॉर्मल है। क्या पहाड़ दिख रहे हैं। फाइनली अपन यार कल्पा आ गए हैं, बस देखते हैं यहाँ पर कोई अच्छा सा होम स्टे या फिर अच्छा सा कोई होटल वगैरह मिले। और फाइनली यार कल्पा पहुँच चुका हूँ, भाई क्या रोड है यार, वाकई में इतनी खतरनाक रोड है कि यूं घुसते हैं वी शेप पे ऊपर फिर ऊपर ऊपर चलते 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 यार इतना ऊपर आ गया, इसके ऊपर है नहीं। और आपको नज़ारा दिखाऊं रूम से क्या नज़ारा दिखता है, देखोगे देखो ये देखो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये देखो नज़ारा यहीं से दिख रहा है, ये किन्नर कैलाश माउंटेन पर्वत श्रृंखला, ये देखो ये पूरा कवर हो रहा है और बादल आसमान में, आप जूम में देखो दिख रहा है आपको, ये देखो पूरा कवर हो रहा है, सामने सामने बिल्कुल बर्फ के नजारे, अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, तभी आते हैं लोग बिकॉज ऑफ व्यू, व्यू बड़ा जबरदस्त है यार, सामने ऐसा लग रहा है जैसे अभी बर्फ हाथ में लेके और बस खेलना शुरू कर दो। अभी आया हूँ थोड़ा सा थक गया हूँ, अब बस खा पी के और फिर निकलते हैं घूमने, एक दो पॉइंट है यहाँ पर कवर करते हैं उनको, आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं, तो चलें फिर